गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, पिछले वीडियोस में हमने आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस शुरू किए थे, जिनमें कुछ एग्जांपल आपको करवाए थे, डेफिनेशन लिखवाई थी। शायद आपने उन्हें नोटबुक में नोट कर लिया है। उसे आगे देखें बेटा, देखिए बेटा उससे आगे ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं, ये तीन प्रकार सारम होते हैं। मैंने आपको बताया, नंबर एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, दूसरा डो नोट या डज नोट से, और तीसरा बताया था प्लीज या काइंडली से। तो देखिए, फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होने वाले वाक्य जो मैंने कुछ पहले भी करवाए थे, वो भी फर्स्ट फॉर्म से संबंधित हैं, और मैं आपके सामने कुछ इस वीडियो में करवा रहा हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होने का। देखिए, बिगिन विद ए फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होने पर। देखिए नंबर एक फर्स्ट सेंटेंस, उससे पहले मैंने आपको बेटा ये करवाया था कि ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड, उसमें सलाह दी गई थी, इसलिए हमने सैड टू को चेंज किया एडवाइज्ड में, कोमा हटाते से हमने लगाया कंजक्शन के रूप में टू, और बाद में सेम का सेम लिखा था, ये लास्ट करवाया था। आज अब मैं करवा रहा हूँ, सेंटेंस तो यही है लेकिन इनमें कुछ और एग्जांपल करवा रहा हूँ। ये भी सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से ही थे और ये भी फर्स्ट फॉर्म वाले ही है। ठीक है, तो नंबर एक देखें, देखिए एग्जांपल देखें। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, टेक लाइट फूड, कॉमा क्लोज वो बेटा फुल स्टॉप। देखिए बेटा, इसमें कहा कि डॉक्टर ने पेशेंट से, मरीज से कहा कि हल्का भोजन ले। बेटा ये बेटा कोई आदेश नहीं है, ये क्या है, एक सलाह दी गई है डॉक्टर से, डॉक्टर के द्वारा उस पेशेंट को सलाह दी गई है कि आप हल्का भोजन लें। देखिए बेटा आंसर होगा द डॉक्टर सेड टू, चेंज होगा बेटा एडवाइज में, द पेशेंट, द पेशेंट, कोमा हटाएंगे बेटा, क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू लगाया, उसके बाद सेम लिखा जाएगा टेक, टी छोटा करेंगे, टेक लाइट, लाइट मीन्स हल्का फूड, यानी हल्का भोजन में। तो ये बेटा एग्जाम्पल था, इसे आगे और देखें। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर, ऊपर देखें, द कैप्टन said to the soldier, comma inverted comma begin, देखिए बेटा, attack the enemy in the morning, attack the enemy इन द मॉर्निंग, क्या कहा बेटा, कैप्टन सेड टू द सोल्डर्स, उन्होंने सैनिकों से यह कहा कि अटैक द एनिमी, दुश्मन पर हमला करो इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त क्या करें, दुश्मन पर हमला करें। तो बेटा ये कोई सलाह या रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि क्या कह रहे हैं, आदेश। कैप्टन ने किसको आदेश दिया, अपने सैनिकों को आदेश दिया। तो यहां सेट टू चेंज होगा बेटा किसमें, एडवाइज नहीं, उसमें ऑर्डर, सॉरी किसमें होगा, ऑर्डर, क्योंकि क्या दे रहा है, कोई आदेश दे रहा है, तो क्या होगा, द कैप्टन ऑर्डर द सोल्जर्स,
टू कोमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे टू, अटैक में ए छोटा करेंगे, अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो बेटा ये मैंने और आपके सामने दो सेंटेंस करवा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखें नेगेटिव सेंटेंस जिनमें डोंट या डजंट आता है, तो उसके बाद नियम लिखें रूल नंबर थर्ड, तो मैंने करवाया था आपके सामने, अब लिखें रूल नंबर उठा थर्ड। देखिए इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन नेगेटिव, इफ द रिपोर्टेड स्पीच इन इन नेगेटिव एंड स्टार्ट्स विद डोंट इज इन ए नेगेटिव एंड ए स्टार्ट्स विद डोंट या डजंट, डोंट और डजंट, देन इट इज चेंज्ड, देन इट इज चेंज्ड इनटू टू वेज। तब बेटा ये दो तरीके से होता है, टू वेज। नंबर एक देखिए, फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू फोर वेज, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू फॉरवर्ड, इनटू फॉरवर्ड आफ्टर रिमूविंग डोंट, आफ्टर रिमूविंग डोंट और डजंट, डोंट और डजंट, देन यूज टू बिफोर द वर्ड, देन देन यूज टू बिफोर, देन यूज टू बिफोर वर्ड। देखिए बेटा नंबर एक रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इन टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का अर्थ होता है बेटा मना करना। ये फॉरवर्ड जब हम सेंटेंस में लगा देते हैं तो बेटा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, क्या बन जाता है ये नेगेटिव सेंटेंस, इसकी फॉर्म ही नेगेटिव सेंटेंस में आ जाती है। यदि हमने फॉरवर्ड लगा दिया तो फॉरवर्ड का मतलब होता है बेटा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और आफ्टर रिमूविंग डोंट या डजंट, अर्थात डोंट या डजंट आता है उसमें इनको हटा देते हैं और उनके स्थान पर क्या लगा देंगे हम फॉरवर्ड लगा देंगे। तो फॉरवर्ड लगाने के बाद डोंट या डजंट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। देन यूज टू बिफोर वर्ब, और उसमें वर्ब से पहले क्या लगाएंगे हम टू लगाएंगे, वर्ब से पहले क्या लगाएंगे टू लगाएंगे। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल करूंगा, करके दिखाऊंगा तब आप समझेंगे बेटा। देखिए एग्जाम्पल लिख रहा हूं, द टीचर सेड, फर्स्ट एग्जाम्पल द टीचर सेड कॉमा एंड कॉमा देंगे, डोंट एब्यूज एनीवन,
देखिए बेटा यहाँ क्या दिया हुआ है, डोंट। अब डोंट को किसमें चेंज करेंगे हम, फॉरवर्ड में। किसमें करेंगे, फॉरवर्ड में। यहाँ नोट की आवश्यकता नहीं होगी जब हम इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, फॉरवर्ड। तो देखिए बेटा सैड के स्थान पर हमें लिखना है क्या हो जाएगा, द टीचर फॉरवर्ड, द टीचर फॉरवर्ड। इतना कर दिया हमने, डोंट को हटा दिया। उसके बाद क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू। और उसके बाद सेम अब्यूज एनीवन, अब्यूज एनीवन। थोड़ा आज का वीडियो यहीं तक है, इसके आगे के और भी आपको एग्जाम्पल करवाएंगे, फॉरवर्ड से संबंधित भी करवाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो आज का वीडियो यहीं तक है, इसके बाद का वीडियो हम आगे भेजेंगे। तो आज का कार्य यहीं तक है। थैंक यू।